वेलकम बैक इन चैप्टर 13 असेल्टर सो हाई स्टैंडर्ड फिफ्थ ईवीएस। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो मेरा पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम पेज नंबर 124 से। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। नाउ यहाँ पे दिया है कि पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग हैं वर्ल्ड के टॉप पे भी रहते हैं। नाउ वॉज अ टाइम टू क्लाइंब हायर, यानी यह समय है कि हमें हायर क्लाइंब करना है। लोनर हैड अ टफ टाइम जिग जैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन्स रोड, यानी जो लोनर है उसको ये काफ़ी कठोर समय था जब वो जिग जैगिंग यानी टेढ़े मेढ़े अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, यानी रॉकी माउंटेन्स और नैरो यानी पतले पतले रोडों से गुजरा था। एट मेनी प्लेस देयर वेयर नो रोड एट ऑल, यानी उस रास्ते में बहुत सारे ऐसे भी जगह थे जहाँ पे कोई भी रोड नहीं था। आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग, यानी मैं एक रॉकी प्लेस जो प्लेन्स है चंगथंग का उस प्लेन से मैं मूव कर रहा था। दिस प्लेस इज एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 meters, यानी ये प्लेस लगभग 5000 meters ऊंचा है। इट इज़ सो हाई डेट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और ये इतना ऊंचा है कि इस पर जो हम लोग हैं नॉर्मली सांस लेने में भी काफ़ी डिफिकल्टी हो रहा था। आई हैड अ हेड एक एंड फेल्ट वीक, और मुझे सर दर्द होने लगा और मैं कमज़ोर महसूस करने लगा। देन आई स्लोली गोट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, तब मेरे को सांस लेने लगा, यानी धीरे धीरे मुझे सांस मिलने लगा उस एयर से। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया, और मैं कुछ दिनों के लिए उस एरिया में घूमता रहा विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट, यानी उस रास्ते में कोई भी एक सिंगल ह्यूमन बींग तक नहीं था। नो पेट्रोल पम्प्स, वहाँ पे एक पेट्रोल पम्प भी नहीं था। नो मशीन्स, कोई मशीन्स भी नहीं थे। ओनली क्लियर ब्लू स्काई, वहाँ पे खाली एक क्लियर यानी साफ आसमान यानी ब्लू स्काई था। एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, और उसके आजू बाजू में काफ़ी ब्यूटीफुल लेक्स यानी तालाब थे। मैनी डेज एंड द नाइट पास, यानी बहुत दिन और बहुत रात पास हुआ। लोनर एंड आई कैप्ट मूविंग अहेड, और लोनर और मैं आगे का सफ़र किए। सडनली वन मॉर्निंग, यानी तुरंत यानी हालांकि एक मॉर्निंग आई सो बिफोर मी फ्लेट ग्रेसी लैंड, यानी और मैंने अपने पहले देखा एक फ्लेट ग्रेसी लैंड यानी एकदम हरा भरा लैंड। मैनी शिप्स एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर, जहाँ पे बहुत सारी शिप्स भेड़ और बकरियाँ जो चर रही थी वहाँ पे। फार इन द डिस्टेंस आई सो फ्रॉम टेंट, यानी मैं अपने टेंट से काफ़ी दूर डिस्टेंस से मैंने ये देखा। आई वॉन्डर हु लिव देयर, यानी मैं आश्चर्य किया कि वहाँ पे कौन रहता है। एंड वॉट दे वेयर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, और वे लोग इतने दूर प्लेस मतलब इतने दूर जगह पे वे लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। यहाँ पे दिया है फाइंड आउट, यानी आपको पता लगाना है एट वॉट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, यानी आप जहाँ पे रहते हैं उस प्लेस का हाइट कितना है। वाई डिड गौरव जानी से, यानी गौरव जानी क्यों कहते थे कि दिस प्लेस इज सो हाई डेट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, यानी गौरव जानी क्यों कहते थे कि ये प्लेस इतना ऊंचा है कि हमें सांस लेने में काफ़ी डिफिकल्टी होता है। हैव यू एवर बीन टू हिली प्लेस वेयर, क्या आपने कभी भी हिली प्लेस पे रहे हैं और कहाँ पे। एट वॉट हाइट वॉज इट, और वो कितना ऊँचा है। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, और क्या आपको वहाँ पे सांस लेने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस होता है। तो विच इज़ द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, मतलब कौन सा जो हाइएस्ट प्लेस है जहाँ पे आप रह चुके हैं, मतलब